हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल नॉलेज इन्फो। आज हम बात करने वाले हैं अपॉर्चुनिटीज आफ्टर एमबीए के बारे में, यानी कि कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं आपको जो है जब आप एमबीए में एंट्रेंस लेते हैं। ठीक है, आपके पास आपको मेंटली बहुत बिल्कुल प्रिपेयर किया जाता है, साथ साथ आपको नॉलेज दी जाती है। पीडीपी यानी पर्सनालिटी डेवलपमेंट क्लासेस और एसडीपी सेल्फ डेवलपमेंट क्लासेस भी प्रोवाइड किया जाता है। साथ साथ आपने किस सेक्टर से आपने एमबीए पास किया, जैसे कि आपने फाइनेंस से किया, एचआर से किया है, आपने सेल्स एंड मार्केटिंग से किया है, आपने किस सेक्टर से किया, उसके अनुसार जो है आपको कॉलेज जो है जॉब प्रोवाइड करवाते हैं आपकी काबिलियत अनुसार। और आफ्टर एमबीए यानी कि एमबीए कंप्लीट होने के बाद जो है आप जिस फील्ड में जाना चाहते हैं उस फील्ड के प्लेस में आपको जो है जॉब पे एंट्रेंस देते हैं। यानी कि एंट्रेंस सबसे पहले होता है, यानी कि आपका पहले इंटरव्यू होता है, फिर उसके बाद जो है आपको जॉब मिलती है। करियर अपॉर्चुनिटीज फॉर एमबीए ग्रेजुएट्स, उसमें कई प्रकार की जॉब्स निकलती है, जैसे इन्वेस्टमेंट बैंकर, फाइनेंशियल प्लानर, एनालिस्ट, कंसल्टेंट, एंटरप्रेन्योर। एंटरप्रेन्योर क्या होता है? मालिक होता है जो कि खुद का बिजनेस खोलता है। कंसल्टेंट वो होता है जो कि दूसरों को कंसल्ट करता है, कि वो जॉब को प्रोवाइड कराता है कि वो किस प्रकार की लोगों को जॉब करना चाहिए। एनालिस्ट का मतलब होता है कि जो का वर्किंग प्रोसेस में है उसको एनालिसिस करके उसको इम्प्रूव करना। फाइनेंशियल प्लानर का मतलब होता है किसी कंपनी में ऐसा फाइनेंस मैनेजर के तौर पर अगर अपॉइंट हो गए तो उस कंपनी का जो नींव और स्टार्ट होती है वो फाइनेंशियल प्लानर ही करता है। फिर आता है इन्वेस्टमेंट बैंकर, आप किसी बैंक में जॉब कर रहे हैं और इन्वेस्टमेंट पॉलिसीज और सेल्स में हैं तो आप अच्छी एमबीए की डिग्री का आप यूज़ कर सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है करियर ऑप्शंस एमबीए ग्रेजुएट्स के लिए ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं और आगे चल के इसका यूज़ करता है। एमबीए फाइनेंस में जो लोग एमबीए फाइनेंस से कर रखा है उनके लिए कौन कौन सी जॉब जॉब अपॉर्चुनिटीज होती हैं वो बताते हैं। अकाउंट्स मैनेजर, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, कैश मैनेजर, मैनेजर कंसल्टेंट, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग एसोसिएट्स, क्रेडिट मैनेजर एंड स्पेशलिस्ट, फाइनेंशियल एनालिस्ट, कॉरपोरेट कंट्रोल्स, फाइनेंशियल ऑफिसर्स एंड ट्रेनर्स, इंश्योरेंस एंड रिस्क मैनेजर्स। तो ये होते हैं एमबीए, जिसने फाइनेंस एमबीए कर रखा है उसके लिए ये बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटीज होती है। और सबसे अच्छी बात ये है जो लोग अकाउंट्स मैनेजर हैं यानी कि जो अकाउंटिंग में हैं वो कंपनी की नींव होती है यानी कंपनी की जान होती है, क्योंकि कंपनी उनको उन्हीं के द्वारा जो है उन्हीं के लेजर बैलेंस शीट्स पर ही सारा उनका जो है बिजनेस प्रोसेस रन करता है। और अकाउंट्स ही है सब डिपार्टमेंट सबसे ज़्यादा मेन डिपार्टमेंट होता है, क्योंकि इसी द्वारा लेन देन सब किया जाता है। थैंक यू फ्रेंड्स, यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करिएगा। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल नॉलेज इन्फो। आज हम बात करने वाले हैं आफ्टर एमबीए, जब आप एमबीए कंप्लीट कर पाते हैं तो आप जो है करियर करियर अपॉर्चुनिटीज आपके पास कौन कौन सी होती है, यानी कि करियर अपॉर्चुनिटीज आफ्टर पास्ट एमबीए। तो इसमें भी कई प्रकार के एनालिसिस किए गए हैं। सबसे पहले बात करते हैं कोर एनालिसिस के बारे में, जहाँ पे एनालिसिस, रिस्क मैनेजमेंट और एप्लीकेशन के बारे में बात की गई है, जहाँ पे आपके परफॉर्मिंग रोल्स करते हैं इंफॉर्मेशन सिस्टम डिज़ाइन, इंफॉर्मेशन सिस्टम्स एनालिसिस और रिस्क मैनेजमेंट। अगर आप ज़्यादा रिस्क लेंगे तो आप ज़्यादा कमा पाएंगे। करियर अपॉर्चुनिटीज़ एमबीए, तो एमबीए जो है आपका कंस्ट्रक्शन और प्रॉपर्टी के लिए भी यूज़ किया जाता है। मतलब आप अगर आपके पास जॉब्स अगर आपके पास एमबीए की डिग्री है तो बहुत सारे लोगों को जो है जॉब्स मिली हैं कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी में, लॉस में और कंज्यूमर गुड्स में, कंसल्टिंग, प्रोफेशनल सर्विसेज में, रिक्रूटमेंट, एचआर सर्विसेज, मैन्युफैक्चरिंग, इंजीनियरिंग, एनर्जी, यूटिलिटीज अदर और बायोटेक एंड हेल्थ केयर में भी। तो कहने का मतलब ये है कि जो रैंक ग्रोथ हो रही है एमबीए की, तो 2014 से लेकर प्रेजेंट टाइम में काफ़ी अच्छी ग्रोथ हो रही है। यानी कि उनके पास एमबीए के पास होने के बाद ये सारी फील्ड्स है जहाँ पे वो अपनी जॉब्स को जो है आगे बढ़ा सकते हैं। जो ब्रांचेस होती हैं एमबीए की वो होती है फाइनेंस, मार्केटिंग, ह्यूमन रिसोर्सेज, एंटरप्रेन्योरशिप, सप्लाई चेन मैनेजमेंट जिसे शॉर्ट फॉर्म में SHM बोलता है, हॉस्पिटलिटी एंड टूरिज्म और टेली कम्युनिकेशन। तो जो ब्रांचेस ऑफ एमबीए है वो इन ब्रांचेस से वो अपनी एमबीए की एमबीए कंप्लीट कर सकते हैं। साथ साथ अब एमबीए डिजिटल मार्केटिंग के द्वारा बैंकिंग एंड इंश्योरेंस, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, इंफॉर्मेशन सिस्टम एंड आईटी, मतलब कहने का मतलब अगर आपने फाइनेंस से एमबीए, ये जो आप फर्स्ट पार्ट पे देख रहे हैं फाइनेंस, मार्केटिंग, ह्यूमन रिसोर्सेज, एंटरप्रेन्योरशिप, सप्लाई चेन मैनेजमेंट, हॉस्पिटलिटी एंड टूरिज्म और टेली कम्युनिकेशन, इससे आप एमबीए की डिग्री पा सकते हैं। यानी कि इसमें आप
पढ़ाई करके जो है आप डिग्री पा सकते हैं, फिर उसके बाद इन्हीं इन्हीं सेक्टर्स के अंदर आप जॉब भी मिल सकती है। फिर हम अदर बात करें अदर सेक्टर्स की, तो है डिजिटल मार्केटिंग, बैंकिंग एंड एश्योरेंस, ठीक है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, इंफॉर्मेशन सिस्टम, आईटी, हेल्थ केयर, एडमिनिस्ट्रेशन, रिटेल मैनेजमेंट, फैमिली बिजनेस, इंटरनेशनल बिजनेस जिसे आईबी भी बोलते हैं, तो ये भी ब्रांचेस हैं एमबीए की, जिसके द्वारा जो है आपको मल्टीनेशनल कंपनीज में जॉब मिल सकती है। मल्टीनेशनल कंपनीज में जॉब करने के लिए आपके पास मार्केटिंग और इंटरनेशनल बिजनेस बहुत ही ज़्यादा प्रेफर किया जाता है। अगर आप पहले से आपके पास सोर्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम्स का रहा है या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का रहा है, जैसे आपने बीसीए का रखा हो या एमसीए का रखा हो या बीटेक आईटी से का रखा हो, तो आपके लिए एमबीए में इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑब्लिक आईटी का बहुत ही अच्छा स्कोप का फायदा आपको एमबीए की डिग्री का मिल सकता है। साथ साथ जो लोग एमबीए की डिग्री आईटी से करते हैं, वो लोग डिजिटल मार्केटिंग की माइनर में लेना लेना बहुत ही ज़्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि डिजिटल मार्केटिंग आजकल के स्कोप में बहुत ही ज़्यादा चलन में है। तो थैंक यू फ्रेंड्स, यदि आपको हमारा वीडियो पसंद है तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करिएगा।